बीजेपी का चुनावी प्रचार 15 तारीख से राजस्थान की तरफ शिफ्ट होने की पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी चल रही है। एक दूसरे पे वार पलटवार का सिलसिला लगातार चल रहा है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। देखिए ये रिपोर्ट। पच्चीस नवंबर को राजस्थान विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बीच बीजेपी ने राजस्थान में जीत की पटकथा लिखने के लिए नई रणनीति तैयार की। कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने और वोट बैंक की राजनीति में पैठ बनाने के लिए बीजेपी ने रणनीति के तहत कांग्रेस के दिग्गजों को अपनी पार्टी में शामिल करवाया। इसको धार देने के लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सोच समझ कर तैयार की है, जो राजस्थान में सरकार बदलने के रिवाज को कायम रखने के लिए जनता जनार्दन में जोश और ऊर्जा का संचार करेगी। बीजेपी का ज्यादा जोर जयपुर संभाग के अलावा मारवाड़, मेवाड़ और पूरब में रहेगा। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को राज्य में भ्रष्टाचार के मुद्दे को बड़ा बनाने का टारगेट दिया गया है। जिसको भी अपराध करना होता है वो राजस्थान की भूमि पर पहुंचाता है। जनता त्राही त्राही मचा रही है। जनता को बताना पड़ता है कि बार बार ये वही सरकार है जिसको आप बदलना चाहते थे, इसलिए बदलाव की लहर वहाँ पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। राजस्थान के रण में विजय पताका फहराने के लिए पीएम मोदी समेत बीजेपी की त्रिमूर्ति तूफानी चुनाव प्रचार में विशाल जनसभाओं और रोड शो का अर्धशतक लगाने वाली है। पीएम मोदी पहले भी एक साल में राज्य में 11 दौरे करके 125 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। 9 नवंबर को पीएम उदयपुर में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। कद्दावर नेताओं वाली और कड़े मुकाबले वाली कुछ सीटों पर पीएम मोदी एक बार फिर दौरा करेंगे। 3 दशक से राजस्थान की जनता विपक्षी दल को सत्ता का सिंहासन सौंपती चली आ रही है, इसलिए बीजेपी को उम्मीद है। गहलोत ने जो वहाँ पर लास्ट मोमेंट पर जो अपना, जिसको आप रेवड़ी कल्चर कह सकते हो या कल्याण योजनाएं कह सकते हो, कोशिश की है कि वो फिर से वापसी की पूरी अजमाइश कर रहे हैं, जोर है लगा, लेकिन बीजेपी को एडवांटेज है राजस्थान में, इसमें कोई शक नहीं है। राजस्थान में मोदी लगभग 8 रैली करेंगे। पीएम मोदी समेत कुछ बड़े नेताओं की सभाएं एक दिन में 2 स्थानों पर भी हो सकती है। बीजेपी के प्रचार में मोदी के अलावा अमित शाह और जेपी नड्डा मुख्य भूमिका में होंगे। हम वो नाटक ड्रामा नहीं करते कि गरीबी हटाओ का नारा देते रहे और गरीब और गरीब होती रहे, लेकिन आज मोदी जी के राज के अंदर 13 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊंचे उठे हैं। उसका लाभ जनमानस के अंदर मोदी जी के प्रति आस्था और विश्वास जो कि वोटों में परिवर्तित होगा। बीजेपी के चुनावी सभा में मुख्यमंत्रियों की भी बड़ी भूमिका है। योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा सरमा भी राजस्थान में बड़ी भूमिका निभाएंगे। इन नेताओं की सभाएं इस तरह से प्लान की जा रही है कि राजस्थान के सभी जिले और विधानसभा सीटें कवर हो जाएं। बीजेपी राजस्थान में अपने त्रिमूर्ति के भरोसे है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा राज्य में कुल आधा सैकड़ा यानी कुल 50 के आसपास जनसभा और रोड शो करेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ही उनके पार्टी के तमाम नेताओं को अपने सिंबल पर टिकट दिया है। जिन लोगों को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला उसे बीजेपी ने टिकट दिया है ताकि कांग्रेस के कोर वोट बैंक में सेंध लगाया जा सके। यानी 2 मुख्य नीति है राजस्थान के लिए बीजेपी की, अपने त्रिमूर्ति यानी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और नड्डा के जरिए जनता के दिलों तक पहुंचना और वहीं कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाकर अपनी जीत को सुनिश्चित करना। कैमरामैन अभय नाथ के साथ कुमार गौरव, न्यूज 24, दिल्ली।